हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग 16,650 के अराउंड, लगभग 240 पॉइंट के लॉस के साथ 1.1% नीचे। हमने यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल देखे और बाद में जो है तो अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी मार्केट में। तो चलो देखते हैं अभी चार्ट पे कैसा दिख रहा है निफ्टी और कल के लिए क्या ट्रेड हो सकता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने लगभग सारे गेंस जो है तो इस वीक के लिए पूरे खो दिए है और अभी निफ्टी जो है तो सिर्फ लगभग एक पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है फॉर द वीक। तो यहाँ ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर फ्रेश सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये ऑलरेडी दिख रहा है हमें। तो यहाँ वीकली चार्ट पे तो रिवर्सल दिया था मार्केट ने, मगर ऊपर जो है तो जैसे मैंने कहा ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है और हर एक रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट में अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ जो है तो मार्केट थोड़ा सा पैनिक में है और जो इन्वेस्टर है जिन्हें प्रॉफिट आता है या फिर कॉस्ट आता है तो वो निकल जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ जो है तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये जो वीक है ये रेड में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आगे जो है तो एक बड़ा हफ्ता जो है तो हमें हॉलीडे में गुजारना है। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हॉलीडे रहेगा और वहाँ अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से जो है तो पोजीशन लाइट रख रहे हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो वीकली चार्ट पे यहाँ जो है तो लगता है कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है अभी तक जो है, तो उसका जो पैटर्न है वो खराब नहीं हुआ है। फिर भी देखना पड़ेगा कि आगे इस वीक निफ्टी का किस तरह से बिहेवियर रहता है। ऊपर से जिस तरह से प्रेशर आया है हो सकता है कि हम फिर से जो है तो निचले लेवल जो है तो टेस्ट करें और उसके बाद में फिर बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है आगे चल के। तो हम यहाँ जो है तो 16,200 से 16,100 के लेवल जो है तो हो सकता है कि हम इस वीक टेस्ट करें। अभी देखते हैं डेली चार्ट पे क्या पिक्चर दिख रहा है। तो डेली चार्ट पे यहाँ जो है तो फिर से जो बाउंस बैक है वो फेल हो चुका है और एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। तो ये रेड कैंडल सजेस्ट करते हैं कि हम जो है तो फिर से रिट्रेस करेंगे प्रीवियस लो की तरफ। तो यहाँ जो है तो एज पर डेली चार्ट मुझे वीक लग रहा है निफ्टी और यहाँ मेरी एज पर डेली चार्ट सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। हम जो है तो निफ्टी को सेल करेंगे जब तक निफ्टी जो है तो 16,950 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तो उसके नज़दीक सेल करना है विथ 6 स्टॉप लॉस। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,200 से लेकर लगभग 16,050 के टारगेट आपको निफ्टी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा जिस तरह से ये कैंडल बनी है और जिस तरह से इंडिकेटर पैटर्न है, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सेल ऑफ देख रहा है और ऊपर अगर बाउंस बैक देता भी है तो वो सस्टेन नहीं करेगा, तो उसको सेल करना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो जिस तरह से हम ग्रीन से रेड में और रेड से ग्रीन में जा रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत भरी बात रहेगी छोटे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते तो मार्केट से दूर रहे, वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ मुझे लगता है कि हम जो है तो शायद आने वाले 2-3 दिनों में 16,200 से लेकर 16,050 के लेवल निफ्टी में देख सकते हैं। यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 950 के ऊपर। हम जो है तो 900 के अराउंड इसको सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि आज का हाई जो था वो 16,928 का था और वहाँ से हम कोलैप्स होके लगभग 16,550 पे गए थे, लगभग 400 पॉइंट का इंट्राडे हमने फॉल देखा था। तो ऐसे फॉल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्केट जो है तो शैलो हो जाएगा। यहाँ जो है तो वॉल्यूम ड्राइप हो जाएगी, जिनको ऑलरेडी MTM लॉसेस हो चुके हैं वो फिर से मार्केट को देखना नहीं चाहेंगे और मार्केट में आना नहीं चाहेंगे, उसकी वजह से मार्केट में कुछ भी सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है और हम जो 200 डेज का एवरेज है उसके नीचे अच्छे खासे ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि हम पॉसिबिलिटी है कि हम फ्रेश लो बनाएं, और जो फ्रेश लो बन सकता है वो बनेगा 15,350 के अराउंड अगर बनता है, तो उसकी चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट है। तो यहाँ हम जो है तो अभी ये 200 डेज का जो एवरेज है उसके अराउंड ही खेलते रहेंगे। नीचे भी अच्छे खासे सपोर्ट है, ऊपर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जो है तो रेंज बाउंड रहेगा, इसके अराउंड ही खेलता रहेगा, मगर वोलेटिलिटी हाई रहेगी। और आज भी हमने लगभग 4% गेन देखा है वीक्स में। कल के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा, यहाँ मेरा सेल ऑन राइज भी रहेगा और मैं 16,200 और 16,050 के टारगेट के लिए निफ्टी शॉर्ट करके जाऊँगा। मैं शॉर्ट करूँगा उसको लगभग 800-850-900 के अराउंड। अभी आवरली चार्ट देखते हैं। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है
तो जो मंथली सीपीआर था उसके अराउंड जो है तो अच्छा खासा सप्लाई देखा है मार्केट में। अभी भी मार्केट जो है तो फिर से वो लेवल को टच कर सकता है, मगर यहाँ मैं उन लेवल पे आता है तो बेचने की सोचूंगा। मेरे जो सेलिंग लेवल रहेगा वो 850 से लेकर 900 के बीच में रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा रखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17,050, क्योंकि मुझे लगता है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मगर नीचे अगर निफ्टी जाता है तो 16,200 और 16,050 के टारगेट मिलेंगे। तो एज रिस्क रिवॉर्ड जो देखोगे आप तो वो अच्छा खासा है। मेरा यह मानना था कि हम जो है तो अगर ये 200 आवर का जो एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम ऊपर जाएंगे, मगर यहाँ आप देख सकते हो कि सस्टेन नहीं किया और एक बड़ी सी कैंडल के साथ इसने ये ब्रेक डाउन किया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये जो कैंडल है यहाँ अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, और ये शायद आने वाले 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू होगा। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, 850-900 के अराउंड में निफ्टी को सेल करना चाहूँगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,050 के या फिर 17,000 के ऊपर रखूँगा, और जो टारगेट बनते हैं एज पर आवरली चार्ट वो बनते हैं 16,230 से लेकर लगभग 15,900 के टारगेट बनते हैं। तो 15,900 तो हो सकता है आ भी सकता है, क्योंकि अभी आगे आप हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, मगर एज पर आवरली चार्ट जो है तो यहाँ भी मेरा सेल ट्रेड रहेगा 850-900 के अराउंड सेल जाएंगे। स्टॉप लॉस 17,000 के ऊपर टारगेट जो बनता है, यह टारगेट बनेंगे 16,230 और उसके बाद में 15,975 के टारगेट मुझे इस वीक के लिए निफ्टी में आते हुए दिखते हैं। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो इन द मनी ऑप्शन पे फोकस कीजिए। आप जो है तो 16,800 या फिर 16,900 का जो पुट ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उस पर डिप्स पे उसमें एक्युमुलेशन करना है। और यहाँ जो है तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर 17,000 के ऊपर फ्यूचर निकलता है तो हम उस ऑप्शन में से जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाएंगे। नीचे मुझे लगता है कि अगर 16,230 या फिर 15,975 पे आता है तो हमें 2x to 3x गेन उस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी वीक्स ज़्यादा बड़ा हुआ है तो यहाँ आपको जो है तो डीके भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फियर जो है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मेरा पुट ऑप्शन पे बेट रहेगा और हम इन द मनी पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे, उसको डिक्लाइन पे बाय करेंगे। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।